बच्चों, वेलकम टू ISR एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा एंड एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेशन बताया था, हेक्साडेसिमल लॉजिकल ऑपरेशन बताया था, जहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिया था कैसे हेक्साडेसिमल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और एक्स और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन, तीनों का मैंने पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताया था। अगर मेरा लास्ट लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए एक बार। और उससे पहले मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर लिया है कि हेक्साडेसिमल में अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब चीज़, क्योंकि ये सब जितना मैंने आपको ऑपरेशन करके दिखाया है उसमें नंबर कन्वर्जन भी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नंबर सिस्टम कैसे जनरेट होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे जनरेट होता है, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैसे जनरेट होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता दिया। अगर आपने ये सब मेरा लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आगे जब हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेशन परफॉर्म करना अभी चालू करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 इस चैप्टर में, तो आपको ये सब चीज़ें लगने वाली है। ठीक है, अगर आपका ये सब क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखेंगे कि एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा एंड एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे एक कवर करेंगे यहाँ पे क्या क्या टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। हम लोग कवर करने वाले हैं पहला एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा कवर करेंगे, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का यूज क्या है, ये सब, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन क्या होता है, उसका यूज क्या है। आई होप आपको ये दिख रहा है क्लियरली। और फिर लास्ट हम लोग देखेंगे इमीडिएट डेटा क्या होता है। इमीडिएट डेटा क्या होता है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अभी हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेंगे अभी अभी स्टार्ट करने से पहले। तो पहले हम लोग, मैं क्या करता हूँ, ये टॉपिक को इरेज कर देता हूँ। इतना समझ गया। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 + 10, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, 15। एक तो ये तो आपका, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या हो गया, आपका एक नॉर्मल सम हो गया। हमने क्या किया, 5 + 10 को ऐड किया, उसका रिजल्ट है 15, ठीक है। तो ये जो 5 + 10 है, यहाँ पे समझो मैंने इनपुट लिया 5, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा इनपुट लिया 10, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, कमांड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कमांड दे रहे हैं, या इसको आप बोल सकते हो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझा। मैंने यहाँ क्या बोला कि 5 + 10 को ऐड करना, तो यहाँ पे मैंने कमांड दिया, कमांड देने के बाद इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 15 आया। तो 15 जो रिजल्ट आया वो कहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है, रिजल्ट कहाँ से स्टोर हो रहा है, डेटा कहाँ से आ रहा है। तो जो आपका ये 5 और + 10 है, ये क्या हो जाता है आपका, इसका कुछ तो लोकेशन होगा ना, 5 और 10 कहाँ से आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। यहाँ पे एड्रेस का मतलब आपका मेमोरी एड्रेस नहीं है, ठीक है, सोर्स ऑफ डेटा,
ठीक है, और ये 15 को हम लोग कहीं पे तो स्टोर करेंगे, ठीक है। सपोज मैं इसको ए के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रिजल्ट हो गया, ठीक है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट हो गया, ठीक है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ, ठीक है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट हो गया ए। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ डेटा क्या हो गया, 5 + 10, उसको स्टोर किया, इसका जो आउटपुट आया 15, उसको किस में ऐड कर दिया, ए में। तो ये क्या हो गया आपका, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट, उसको मतलब एक जगह पे स्टोर कर दिया। अभी आप इतना समझो, एक जगह पे स्टोर कर दिया, और ये सबको मिला के क्या बोलता है, बनता है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट इसी को बोलते हैं जो आपका माइक्रो प्रोसेसर समझता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि आपका जो एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, यहाँ पे एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा का मतलब होता है, इंग्लिश में एड्रेस का मतलब होता है पता, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको पता बोलते थे, यहाँ पे इसका मतलब यही है पता, कि आपके इनपुट का पता क्या है, आपके जो रिजल्ट आता है उसका पता क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल ऐसा समझ लेते। इसको जब अगर माइक्रो प्रोसेसर के टर्म में बोले, ये सब जो ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब हमने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिए माइक्रो प्रोसेसर को, और बोला कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करके दीजिए, मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपका क्लियर हो गया, इंस्ट्रक्शन सेट क्या हो गया, यहाँ पे कैसे बन गया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझू, कंसीडर करता हूँ एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, मतलब कि आपका समझो मैं कोई मेमोरी है, समझो यहाँ पे ये आपका मेमोरी है, ठीक है, इसके ब्लॉक्स है मल्टीपल, ठीक है, इसके अंदर डेटा है, समझो 10H 2B, तो मेमोरी डेटा के अंदर हमेशा क्या होता है, 8 बीट का ही डेटा स्टोर होता है, ठीक है, 8 बीट का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 ऑपरेशन कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे 8 बीट का ही डेटा जो हमें होता है हमेशा 8 बीट का ही होता है, ठीक है, ठीक है। अभी इस 8 बीट के डेटा में इसके कुछ मेमोरी एड्रेस होंगे, ठीक है, ये सब के कुछ मेमोरी एड्रेस होंगे, ठीक है, समझो इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया C000H, ठीक है, C001H, C002H, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मेमोरी एड्रेस। तो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, मेमोरी एड्रेस हो गया, ठीक है, मेमोरी एड्रेस कितना होता है, 16 बीट का होता है, ये कितना होता है, 16 बीट का होता है, ठीक है, ठीक है, ये मेमोरी एड्रेस हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस हो गया, इस मेमोरी एड्रेस में क्या होता है, एक एड्रेस में डेटा स्टोर होता है, जैसे कि 10H 2B, इस मेमोरी समझो C00 में मेमोरी एड्रेस में कौन क्या डेटा स्टोर है, 10H, C00001H में क्या स्टोर है, 2BH स्टोर है, ठीक है, 8 बिट का डेटा स्टोर है, ठीक है। ये स्टार्ट किधर से होता है, 000 F से लेके 4 times, ये स्टार्ट होता है आपका लोकेशन, ये क्या होता है, लोकेशन, ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। यहां पे अगर मैं बोलूं, सपोज आपको डेटा डायरेक्ट मिल रहा है कहीं से, मतलब जो सोर्स ऑफ डेटा है अगर डायरेक्ट मिला है, सपोज 10H डायरेक्ट मिला, ठीक है, ये क्या मिल गया मुझे, डेटा मिल गया, 10H मुझे डायरेक्ट मिल गया, ठीक है, मतलब इसको तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट डेटा बोलते हैं, इमीडिएट डेटा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा हमको डायरेक्ट मिल रहा है, मतलब कोई वेरिएबल में नहीं मिल रहा है। सपोज इसके एग्जांपल के लिए अगर समझते हैं, एक इनपुट लेता हूं मैं ए, ठीक है, और
दूसरा इनपुट लेता हूं बी और इसको स्टोर करता हूं कि इसमें ए में, ठीक है। तो सोर्स ऑफ आपका डेटा क्या हो जाएगा, ए और बी। ए और बी में आपका क्या हो सकता है, सब जो ए प्लस क्या हो गया बी, बी में क्या पास कर दिया, मेमोरी एड्रेस पास कर दिया, समझो सी जीरो जीरो एच, ठीक है। तो सी जीरो जीरो एच में इस मेमोरी एड्रेस में क्या डेटा स्टोर है, 10H, ठीक है। तो ए प्लस इसको हम लोग मैं क्या बोल सकता हूँ, 10, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करके जो ये मतलब ये क्या होगा कि ये जो है ये एक्यूमुलेटर है, यहाँ पे आप एड्रेस नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, एक्यूमुलेटर। क्योंकि आपका ALU में जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है, एज पर ALU जो भी आप माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसका डेटा किधर जाता है, एक्यूमुलेटर को, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, 8-bit का मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है। ये आपका एक्यूमुलेटर है, ठीक है। ये कितना डेटा स्टोर करता है, 8-bit का, ठीक है। मतलब और ये एक्यूमुलेटर कहाँ होता है, आपके रजिस्टर में, मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा 10H वो किसको स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर को, ठीक है। एक्यूमुलेटर मतलब एक इस ए को पास हो जाएगा, क्या पास हो जाएगा, 10H, और ए में क्या स्टोर है आपका पहले से जो भी है, ये डायनेमिक वैल्यू जो भी रहेगा, समझो 2 है तो 212H इसको एग्जांपल ले लो, ये एक्यूमुलेटर के स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर के पास क्या, ये डेटा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में एक टाइम पे एक ही जगह पे जो भी आप कैलकुलेशन करते हो एक ही जगह पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका जो है इमीडिएट, ये क्या हो गया आपका डायनेमिक डेटा हो गया, ठीक है। इसको इमीडिएट डेटा नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है मेमोरी एड्रेस के बेसिस पे हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी एड्रेस के बेसिस पे इसको वैल्यू मिल रहा है, फिर वो एक्यूमुलेटर को पास हो रहा है। ये आपका हो गया क्या, डायनेमिक डेटा है, ठीक है। और इमीडिएट डेटा मतलब जो वैल्यू अपने को मतलब इनपुट मिलता है विदाउट एनी लोकेशन, विदाउट एनी मेमोरी लोकेशन, विदाउट एनी एक्यूमुलेटर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक डेटा। तो आपको इसमें ये समझना है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या हो गया अपना, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या हो गया, डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट हो गया, ठीक है, ये वाला। तो क्योंकि अपना जो एक्चुअल रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इतना कंसेप्ट बताया कि अभी इमीडिएट डेटा क्या होता है, डायनेमिक डेटा क्या होता है, और डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग आगे जाके ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, एक मिनट, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। तो एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा अपना क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, आई होप इतना आपको समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप लोग समझ सकते हैं कि एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकता है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। ये चीजें आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे पूरा कैलकुलेशन है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं बोलूँ तो एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा क्या क्या हो सकता है, अगर इसको बोलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है इमीडिएट डेटा, ठीक है, इमीडिएट डेटा, ठीक है। एग्जाम आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 0H 2B H 8-bit का एक्सेट्रा, ये क्या हो गया आपका इमीडिएट डेटा। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको इधर पे 5+10 का, ये आपका इमीडिएट डेटा का एग्जाम्पल हो गया। तो एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकता है, एक तो इमीडिएट डेटा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका, आप अगर गेस कर चुके रहोगे तो आप बता सकते हो दूसरा क्या हो सकता है इमीडिएट डेटा के बाद, ठीक है। और कहां से आपको डेटा मिल सकता है, सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, रजिस्टर से भी आपको डेटा मिल सकता है सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एच, ये भी क्या हो सकते हैं आपके एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा हो सकता है। तीसरा क्या है, मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है आपका,
मेमोरी लोकेशन, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना, मेमोरी लोकेशन के हिसाब से आपको उसका डेटा मिला, तो मेमोरी लोकेशन भी आपका हो सकता है। मेमोरी लोकेशन को कैसे डोनेट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो मैंने यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया, 3001, ठीक है। वन टू थ्री फोर, 16 मेमोरी एड्रेस हमेशा आपका 16 बिट का होता है, तो ये आपको काउंट करना है, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन भी आपका हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है आपका एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, क्या क्या हो सकता है, एक तो इमीडिएट डेटा हो सकता है, एक रजिस्टर्ड हो सकता है, और एक आपका मेमोरी लोकेशन हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, यहाँ से आपको डेटा इनपुट मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूँ तो एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, रिजल्ट आपका कहाँ कहाँ पे स्टोर हो सकता है। एक तो आपका रजिस्टर के अंदर मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर होगा, ठीक है, और दूसरा मेमोरी लोकेशन के अंदर होगा। तो आपका एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या हो सकता है, एक एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर कहाँ पे होता है, एक्यूमुलेटर होता है आपका रजिस्टर के अंदर, क्या होता है, रजिस्टर के अंदर, ठीक है। एक ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा आपका कहाँ से आ सकता, क्या क्या हो सकता है, इमीडिएट डेटा हो सकता है, रजिस्टर से भी आ सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, ठीक है। उसी तरह एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो आपका एक्यूमुलेटर होगा जो कि रजिस्टर के अंदर होता है, ये आपका रजिस्टर के अंदर होता है, या तो मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है। मेमोरी लोकेशन भी आपका डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो आपको अभी समझ गया कि एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकता है, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा क्या क्या हो सकता है, इनपुट क्या क्या हो सकता है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट मतलब रिजल्ट क्या क्या होता है, वो कहाँ पे हमको इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग इनपुट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और आउटपुट कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा एंड एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। आई होप आपका ये क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। आगे अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है, क्या है एक्चुअली, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग रजिस्टर पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। आई होप आपको ये सब समझ गया रहेगा, इसमें हमने क्या की किया है अभी। इमीडिएट डेटा क्या होता है, मतलब सिंपल है, इमीडिएट डेटा क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, मेमोरी लोकेशन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, ये सब चीज़ें आपको, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर के हिसाब से समझेंगे कि, ठीक है, समझो यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर्स, रजिस्टर को डिनोट कैसे करते हैं, आर से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैं बोलूँ जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, ए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। बाकी का क्या होता है, ग्रुप के साथ हमेशा बनता है, जैसे बी हमेशा सी के साथ ग्रुप बनता है, बट यहाँ पे हम लोग अलग अलग ले रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया आपका डी, फिर ई, फिर उसके बाद क्या होता है एच और एल, ठीक है। ये क्या हो गए आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए, ठीक है। यहाँ पे ABCDEHL, ठीक है। यहाँ पे ए एक्यूमुलेटर है, समझो इसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया है, 04 एक डेटा स्टोर करके रख दिया, ठीक है। ये आपके जितने भी रजिस्टर है, वन मोर थिंग, ये आपके जितने रजिस्टर है यहाँ पे वो कितने होते हैं, एक एक रजिस्टर कितना होता है, 8 8 बिट का होता है, 8 बिट एच, ठीक है।
8 बिट इच रजिस्टर, मतलब जितने भी इसमें रजिस्टर सब 8 बिट के होते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ गया। अभी सपोज मैं यहां पे कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूं, ठीक है, 8 बिट रजिस्टर हो गया। अभी मैं समझो ये के अंदर क्या स्टोर है, 04, ये डेटा स्टोर है 8 बिट का, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, b इक्वल टू a कर देता हूं, ठीक है, तो b के अंदर भी क्या स्टोर हो जाएगा, 04, यस, मतलब दोनों रजिस्टर में क्या स्टोर हो गया, 04 यह स्टोर हो गया। इसको 04 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमीडिएट, इसको बोल सकते हो आप, एग्जांपल दे सकते हो, इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, ये आपका, ये डायरेक्ट आपके क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड बी के अंदर मैंने डायरेक्ट ए को असाइन कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक, ये क्या बोलते हैं, डायनेमिक सोर्स डेटा बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा में आपका रजिस्टर भी हो सकता है, तो यहाँ पे बी ये क्या हो गया, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक डेटा। यहाँ पे रजिस्टर भी आपका इनपुट हो सकता है, तो यहाँ पे रजिस्टर आपका सोर्स ऑफ डेटा हो गया, ठीक है, स्टोर किधर हुआ, बी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ए इक्वल टू ए प्लस बी करता हूँ, यहाँ पे ये आपका क्या है, एक्यूमुलेटर, मतलब ए वाला पार्ट, क्योंकि रिजल्ट हमेशा एक ही जगह पे स्टोर होगा, आप कितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म करो, ये जो है आपका एक्यूमुलेटर, ठीक है, तो ए प्लस बी करूंगा तो यहाँ पे कितना था, 04, इसके अंदर डेटा कितना है, 04H, ठीक है, और इसके अंदर भी डेटा कितना है, 04H, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 08, यस, तो एक्यूमुलेटर का डेटा कितना हो गया, 048, तो लास्ट में जो एक्यूमुलेटर का डेटा है ये अपडेट हो जाएगा 08 से, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा 08 यस से, ठीक है। तो इस एक्यूमुलेटर के अंदर फाइनली डेटा कितना स्टोर होगा, 08 यस डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर होगा, इसमें इमीडिएट डेटा क्या हो गया, और उसके बाद हमने क्या किया, एड्रेस के अंदर से डेटा लेके दोनों को सम करके एक्यूमुलेटर के अंदर पास किया। इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर आपका काम करता है, ठीक है। इमीडिएट डेटा मतलब डायरेक्ट जो भी इनपुट मिलता है, मतलब डेटा इटसेल्फ को अगर हम लोग अगर कोई इनपुट इनपुट डालते हैं और वो डेटा ही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट डेटा। बट अगर हम लोग कोई इनपुट डाले मगर उसका मतलब, जैसे हमने कोई वेरिएबल डाला जैसे ए प्लस बी, इसमें आपको इनपुट पता नहीं, इनपुट मतलब आपके रजिस्टर से पास होगा, मतलब ए से पास हो रहा है ना इसके अंदर, ए प्लस बी ए इस एक्यूमुलेटर के, तो ये क्या हो गया आपका, ए रजिस्टर डेटा हो गया, ठीक है, सिंपल। इतना आपको क्लियर हो गया, आई होप आपका इतना क्लियर हो गया, जनरल पर्पज रजिस्टर के साथ हम लोग ऑपरेशन, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक प्रोग्राम भी बोल सकते हो, मतलब ऐसे प्रोग्राम लिखने को भी आता है, इसको ही बोलते हैं प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग में इसको ही एक तरह का प्रोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि आपको इतना मतलब ये एक्यूमुलेटर के लिए अंदर 804 बीट का डेटा दिया हुआ है, मतलब 8 बीट का डेटा दिया हुआ है उस, और बी के अंदर पास करना है, बी के बाद वो दोनों को सम करके एक्यूमुलेटर का फाइनल रिजल्ट बताना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उस टाइम पे ऐसे आंसर लिख सकते हो सिंपली, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग 16 बीट का एग्जांपल लेते हैं, समझो यहाँ पे अगर जो हमने अभी यहाँ पे सम किया, ठीक है, यहाँ पे जो हमने सम किया अभी 004 ये सब 8 बीट का किया, ठीक है, यहीं पे अगर हमने जो सम लिया था, अगर ये 16 बीट का होता तो उस टाइम पे क्या होता, क्योंकि एक्यूमुलेटर तो 8 बीट का डेटा ही लेता है, एज पर अपना अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वो हमेशा 8 बीट का ही डेटा लेता है। बट अगर ये 16 बीट का डेटा होता, ये 04 और 04H प्लस 04, तो उस टाइम पे क्या होता, क्योंकि अपने रजिस्टर के अंदर तो मेमोरी के अंदर तो आपका एड्रेस जो है वो 16 बीट का हो सकता है, बट एक्यूमुलेटर को हम लोग पास नहीं कर सकते। उस केस में क्या होता है, अगर 16 बीट का डेटा रहता है तो आपका जो लास्ट ग्रुप है रजिस्टर का, एच एन एल, इसमें 8 बिट दोनों डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब 8 बिट इसमें चला जाएगा, ठीक है, और 8 बिट इसमें चला जाएगा, इस तरह से इसमें डिवाइड हो जाएगा। बाद में एच एल कैसे प्रोसेस होता है इसको हम लोग आगे टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आगे जब हम लोग जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझेगा, ठीक है, आगे जब धीरे 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 जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये समझेगा, ठीक है। यहाँ पे जो 8 बिट इस रजिस्टर्ड है, इसके मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जितने भी हैं ए से लेके एच एल तक, ये आपका 00H हेक्साडेसिमल से स्टार्ट होता है, और ख़त्म कहाँ पे होता है,
लास्ट या फिर फेस स्टेप, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये समझ गया आपको, सिंपल 8 बिट का है तो डायरेक्ट आपका एक्सेस हो जाएगा, ऐड होके एक्यूमुलेटर के अंदर पास हो जाएगा एज ए रिजल्ट। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर आपका क्या है, मैंने एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट में आपका रजिस्टर आता है और मेमोरी लोकेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर का एग्जांपल आपने देख लिया, एज ए इनपुट भी एज ए आउटपुट भी, उसी तरह आपका भी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन पे कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो मेमोरी लोकेशन को भी अगर हम लोग समझे यहाँ पे, इसके लिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, रजिस्टर को अभी यहाँ पे मैं सिंपल इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको रजिस्टर समझ गया, रजिस्टर में कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, इसमें एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा क्या है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या है, ये आपको इजीली समझ गया, ठीक है। मेमोरी लोकेशन का भी जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एक तो रजिस्टर हो गया, दूसरा अपना जो मेमोरी लोकेशन है डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट के एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग देखें तो, ठीक है, सपोज वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया आपका मेमोरी, मेमोरी लोकेशन इसका निकालते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका डेटा हो गया 04H0, ये ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया मेमोरी डेटा हो गया, इसमें हर एक मेमोरी लोकेशन में डेटा कितना होगा हर एक मेमोरी लोकेशन पे, तो मेमोरी लोकेशन आपका चालू किधर से होता है 0000 और यस से, आपका मेमोरी लोकेशन यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे मेमोरी एड्रेस क्या होता है आपका सपोज 000, ठीक है, 1, फिर 0 0 0 2 1 2 3 4, ठीक है, इसको एच लिख दो, सॉरी इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझो चालू हुआ 001 एच से, 002H, 003H, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा एफ एफ तक आएगा आपका, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका 16 बिट मेमोरी एड्रेस हो गया, ठीक है, 16 बिट मेमोरी, ये क्या हो गया आपका 16 बिट मेमोरी एड्रेस हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। और ये जो आपका मेमोरी इसमें कितना होगा, हर एक ब्लॉक में आपका 8 बिट डेटा होगा, ये क्या है आपका डेटा है, तो ठीक है, इसको ओवर, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है 00H2, H2, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है जो डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ सिंपल, ये समझो आपका मेमोरी एड्रेस है 001 इक्वल टू 04, तो ठीक है, इस मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा स्टोर हो कितना है 04, ठीक है, बट ये तो नॉर्मल भी हो गया आपका इमीडिएट डेटा हो गया, बट आपको कैसे पता चलेगा ये मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस ऐसे पता चलता है क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इस तरह से पता चलता है इस मेमोरी एड्रेस पे, इस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा स्टोर है 04। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 002H बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर है आपका 0A, ठीक है, इतना समझ गया, आई होप आपका इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेम आपका अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी का एग्जाम्पल लूँ, ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक मैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पास कर देता हूँ 001-, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20H, ठीक है,
तो यहाँ पे आपके मेमोरी लोकेशन में एक्यूमुलेटर को क्या पास होगा, एक्यूमुलेटर को क्या पास होगा, इसका जो डेटा होगा मेमोरी लोकेशन का C001H का, जो कि है 04 प्लस 20H, 04H है यहाँ पे, इन दोनों का जो सम आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल से, बट ये होगा नहीं एक्चुअल में 24H, ये आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटर, ठीक है, और ये एक्यूमुलेटर मैं असाइन कर दिया समझो मेमोरी लोकेशन C003, इस मेमोरी लोकेशन को अगर मैंने असाइन कर दिया तो मतलब ये एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो किसको पास हो जाएगा, C003 को, मतलब C003 को क्या पास हो जाएगा, 24H, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24L, ठीक है, इस तरह से मेमोरी लोकेशन पास होता है। मेमोरी लोकेशन यहाँ पे आपका क्या हो गया, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन किसका हो गया, इस एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर किसके अंदर आता है, रजिस्टर के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपका कैलकुलेशन होता है, प्रोग्राम आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आई होप इतना आपका क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कैसे, मेमोरी लोकेशन एज ए डेस्टिनेशन रिजल्ट हम लोग कैसे ट्रिक कर सकते हैं, और आपका रजिस्टर एज ए डेस्टिनेशन रिजल्ट कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर आपका क्या बोलते हैं एज अ सोर्स ऑफ डेटा भी हो सकता है, इनपुट भी हो सकता है, सेम आपका मेमोरी लोकेशन भी सोर्स ऑफ इनपुट हो सकता है। ये इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि आगे जब हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत यूजफुल होगा कि इनपुट कहाँ से लेना है, आउटपुट कहाँ पे डालना है, मेमोरी में डालना है कि रजिस्टर में डालना है, ठीक है, इसलिए आपको ये बहुत यूजफुल है। इसमें जो थर्ड टॉपिक है अपना, ऑलरेडी मैंने बता दिया इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा क्या होता है, इमीडिएट डेटा होता है जो डायरेक्ट हम लोग इनपुट पास करते हैं, उसका डेफिनेशन ही यही होता है कि जो हम लोग इनपुट पास करते हैं वो इनपुट आपका खुद एक डेटा है, ना कि कहीं का लोकेशन, ना तो एड्रेस का लोकेशन है, ना तो आपके मेमोरी का लोकेशन है, अगर वो जो इनपुट पास कर रहे हो इटसेल्फ एक डेटा है, मतलब तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट डेटा। एग्जाम्पल के लिए इमीडिएट, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ इमीडिएट डेटा का, तो ये बहुत सिंपल है, इतना बस समझ लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए इमीडिएट डेटा में, ठीक है। अगर जैसे मैं डायरेक्ट इनपुट पास कर रहा हूँ 00H, ठीक है, प्लस मेमोरी लोकेशन मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, तो या इनपुट डायरेक्ट पास है, मेमोरी लोकेशन पास कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे समझो C0001H, ठीक है, इसको आप क्या, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये दे रहा हूँ डेटा दे रहा हूँ, तो इस मेमोरी लोकेशन का अगर डेटा दिया मैंने यहाँ पे, समझो मैंने डेटा दे दिया 24H, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया इमीडिएट, ये इमीडिएट नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं एज ए इनपुट में मेमोरी लोकेशन दे रहा हूँ, तो मेमोरी लोकेशन से आपको डेटा निकालना पड़ेगा, वो डेटा निकाल के इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो आपका इमीडिएट क्या होगा, ये पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इमीडिएट, मतलब जिसमें आप, इमीडिएट का मतलब यही होता है डेटा का, जिसमें हम लोग इनपुट एज डेटा देते हैं, ठीक है, इनपुट हम एज डेटा इनपुट देते हैं, ठीक है, ना कि हम लोग कोई लोकेशन देते हैं या ना कि हम लोग रजिस्टर्ड का पाथ पास करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट डेटा। तो इस चैप्टर में हमने अभी जो देखा कि एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या होता है, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक आपका इमीडिएट डेटा हो सकता है, एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, और आपका एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, या तो आपका रजिस्टर होगा या तो आपका मेमोरी लोकेशन होगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको बस ये चीजें याद रखनी है। इसी के बेस पे आगे जब हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन अभी स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग का ऑफ 8085 का, तो आपको क्लियरली समझेगा, ठीक है, इसलिए मेरे सारे वीडियो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।